शुभ दशरा की अंतरिक्ष माँ गंगा की और विश्वनाथ आशीर्वाद सबको दिवस हो। आज हम लोग नया उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। अनादिकाल से समस्त जीवों का एक ही चीज की खोज है कि हम आनंद से कैसे रह सकते। सभी जीवों का, ये मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीव चाहते हैं कि शांति से आनंद से रहे और वो भी आनंद नित्य और निरतिशय आनंद प्राप्त। मैं हमेशा आनंद में हूँ और सबसे अच्छा आनंद हूँ। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि बेचारा ये नहीं समझ पाता, जब तक मैं सुख को ढूंढूंगा तब तक मैं दुखी रहूंगा। जिस समय अपने स्वरूप सुख का अनुभव करेंगे तब फिर सुख मैं स्वरूप फिर सुख ढूंढने की इच्छा नहीं। ये ऋषि लोगों ने हम लोगों को दिया है ना। तो जब तक हम इस प्रकार औपनिषदिक ज्ञान के साथ संबंध नहीं होते तब तक हम सुख ढूंढते रहते हैं और फिर जो है सुख ढूंढते हैं और दुखी होते हैं। ये परिणाम, ये जो है सभी व्यक्ति के जो सुख ढूंढने की इच्छा, ये तो स्वाभाविक रूप से सभी का पास है। तो ये शास्त्र दिखाया कि जब तुम्हारे व्यवहारिक उपाय से पेट दर्द है तो दवाई खा लिया, कुछ और कारण है इसके तुम्हारे तात्कालिक कुछ मतलब दुख निवृत्ति हो सकता है परंतु आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होगा। तब फिर कहते हैं शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे, शास्त्रों के माध्यम से भी जाओगे फिर जो स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी तारतम्यता है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति वहाँ भी नहीं है क्योंकि वहाँ से भी वापस जाना पड़ता है। इसलिए तब उपनिषद संबंधित जो ज्ञान अथवा स्वरूप के ज्ञान यही जो मनुष्य की नित्य निर्देश अनंत को दे सकते हैं। और इसी के लिए वेद जो है इसका परिभाषा के रूप में मुझे वेदांत उपनिषद की उपखंड भाषा उसमें ऐसा मिला कि प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा उपायतस्कुना बुद्धते एतम विन्दति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा जो हम सुख ढूंढते हैं इसके उपाय हमें प्राप्त नहीं। प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा तृतीय प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा उपायतस्कुना बुद्धते, इसके उपाय हमको समझ में नहीं आता। एकदम विन्दति वेदना, इसको हम वेद से प्राप्त करते हैं। तस्मात् वेदस्य वेदता, यही वेद की वेदता है, ज्ञान स्वरूप है। वेद मतलब शब्द राशि नहीं है, वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान नित्य है हमेशा। इसलिए वेद अपौरुषेय है, छह आस्तिक दर्शन है, छह नास्तिक दर्शन है। वेद को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, परंतु वेद को मानने वाले दार्शनिक लोग इसको अपौरुषेय ही मानते हैं क्योंकि किसी मति किसी व्यक्ति के मति प्रभव कोई सिद्धांत तो होता है ना, उसमें दो दोष रहता है, कर्णपाटव दोष और अर्थ विप्रदेश, कम से कम ये दोष दो दोष कई बार बोल चुका है। इसका मतलब जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो कर्ण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो तो हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकते हैं। और जो है जो भी हमने समझा उसी को हम बार बार प्रतिपादन करने की कोशिश करते हैं, इसको तो अर्थ विप्रदेशा। परंतु विष्णु लोग में ये चीज नहीं, तो सच्चाई को जाना ही हमारे साथ। तो पहले आता है वेद, और वेद में तीन भाग है, कर्मकांड उपासना कांड और ध्यान कांड, ठीक है ना। वेद में तीन भाग है, वर्तमान में जितना शाखाएं हमें उपलब्ध है वो लगभग 1180 शाखाएं उपलब्ध होते हैं। उसमें ऐसा प्राप्त होता है कि सहस्र वर्तमान सामवेद की 1000 शाखाएं, फिर उसके बाद 109 शाखाएं हैं यजुर्वेद की, उसमें दो विभाजन है उसके पहले भी, फिर उसके बाद 45 and 21 मतलब देखो कितना हो गया 1180 शाखाएं हैं। फिफ्टी होगा 1109 21 और 50 1180, ठीक है ना। तो इसमें से जो हमारे पास की जो जिस वेद में अभी हम लोग प्रवेश करेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो है आपको 50 शाखाएं मिलती है। इसका मुख्य रूप से जब विपराश शाखा विपराश शाखा इसके ऊपर हम लोग उपनिषद अथर्ववेद का तीन उपनिषद हम लोग पढ़ते हैं, मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक। मुंडक का प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया और मांडुक में प्रवेश करते क्रम से। हम जब यहाँ पे द्वितीय बार शुरू किया था ईशावास से लेकर के ईश्वर एनम कठम मुंडक फिर प्रश्न फिर ऐतरीय तैतरीय अब आते मांडुक में प्रवेश करते, फिर दो बच्चे का चांदुक हुआ देखता जिसके ऊपर भगवान शंकराचार्य का भाष्य और आनंद जी का टीका। तो वेद की परिभाषा क्या बताया, प्रत्यक्षेन अनुमित्यावा
उपायदस्तुन बुद्धते एतं विद्यते वेदेन तस्मात् वेदस्य वेद। वेद की अंतिम भाग को ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद नाम वेदांत प्रमाण ऐसा नहीं है। वेद के तीन भाग बताए हमने, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। क्रम इसलिए है कि कर्मों के माध्यम से अंतकरण शुद्ध होने पर, मतलब मन दोष जाने पर, फिर उपासना के द्वारा विक्षेप दोष जाने पर, फिर ज्ञान से आवरण बंद होता है। इस क्रम से इसके आगे और कोई भाग नहीं है। ये जो वेदांत जो बोलता है, वेदांत अंत शब्द का तीन अर्थ होते हैं। अंत मतलब एंड, अंत मतलब मध्य, अंत मतलब सार, सार जस्ट क्लियर। तो यहाँ पे तीन अर्थ मतलब लागू हो जाता है। वेद के अंतोपाधि भी है ना, वेद के अंत भाग में भी है, और संपूर्ण वेद की सार क्या है, परम पुरुष शक्ति की सिद्धि के लिए, इसलिए वेदांत बोलते हैं। और इसी को उपनिषद नाम से कहा जाता है। तो उपनिषद शब्द के लिए जो परिभाषा हमको मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पे देखिए, गौ परिषद सबसे पहले पुस्तक में आता है कि ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, है ना, ब्रह्म के तीन नाम है, ओम तत् और सत्। भगवद गीता में बताया ब्रह्मण त्रिविध स्मित, ब्रह्म के तीन प्रकार से स्मरण के तीन शब्द, इस प्रकार के ब्रह्मों को नमस्कार। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गौरपाद्य कारिका सहित अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद, ठीक है ना, गौरपाद जी के लिखा हुआ कारिका के साथ अथर्ववेद के साथ संबंध रखने वाला जो मांडव्य को उपनिषद है, उसके ऊपर हम विचार शुरू करने जा रहे हैं। एक विद्या मुक्ति को उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद में ऐसा पंक्ति मिलता है, यम कैवल्य मुक्तिस्तु केन उपायेन सिद्ध्यति। हनुमान जी राम जी से प्रकट प्रश्न करता है, ये जो केवलता के भाव रूपी जो मुक्ति है ना, ये कैसे सिद्ध होता है, यम कैवल्य मुक्तिस्तु केन उपायेन सिद्ध्यति। तो नाम कितना मांडुक का एकमेव अलम मुमुक्षा न विमुक्ते, है ना, मांडुक का एकमेव अलम, एक अकेला मांडुक को उपनिषद पर्याप्त है। अब कंडीशन एक रखा, मोक्ष, हाँ, है ना, जब मोक्ष तक तीव्र हो तो मांडू को अकेला ही पड़ जाता है, उसके विमुक्त ये हो गया। अब ये उपनिषद शब्द का जो वेद का परिभाषा, उपनिषद शब्द का जो परिभाषा वेदार्थ वार्तिक में श्रेष्ठाचार्य जो है तीन प्रकार से दिए हुए, तो एक में संक्षेप में उप और नि, उप और नि दो उपसर्ग है, और सत ऋ धातु है, इस धातु का तीन अर्थ है। एक होता है विशरण गति अवसाधनेश, सत ऋ धातु सिक्स्थ कंजुगेशन, मतलब आपका तुगादि गण के धातु है, और ये धातु जो है आपका प्रश्न पदी अनिल धातु है, इस धातु के साथ क्विक प्रत्यय कौन कौन है, बौ टीका की मात्रा कौन रहे, इनकी सर्व पर रूप हो जाता है, प्रत्यय का कुछ भी नहीं करता, परंतु प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लोग बन जाए तो प्रत्यय का लक्षण तो क्या है, धातु को नाउन में बदल देते हैं, वाद को नाउन में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए प्रयोग है, ही स्विमिंग, वो तैर रहा है, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब है, परंतु स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इट्स नाउन, ठीक है। इसी प्रकार आई स्विम इज अ वर्ब उसके साथ आईएनजी प्रत्यय लगा तो नाउन भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक क्रियापद है आपका सद्वे धातु है, उसके साथ भी प्रत्यय करके वो नाउन में बदल गया। उपनिषद शब्द जनरली स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, उपनिषद सद्वे धातु है, उसका तीन अर्थ है, विशरण गति और अवसर। विशरण मतलब नाश, गति मतलब प्राप्ति, और अवसर मतलब शिथिलता, अथवा विशरण और अवसर में उल्टा अर्थ भी करते हैं, कभी कभी शिथिलता और नाश, प्राप्ति शिथिलता, तीन अर्थ में प्रयोग होता है। मतलब जिसको प्राप्त होने पर संसार बंधन की शिथिलता अथवा संसार बंधन की आत्यंतिक नाश हो, उसको बोलते हैं उपनिषद संबंध। जिसको प्राप्त, इसके उपनिषद में ऐसा परिभाषा मिलता है, उपनीय इमं आत्मान ब्रह्म वास्तव्यं यतः निहन्ति अविद्या तत्त्वं च तस्मात् उपनिषद् मतः उपनिषद भवेतुन प्रकट वेदा के बात मिलते हैं कि उपनीय उपनीय इमं आत्मानम, आप अलग अलग लिख के बाद में श्लोक बता कि उपनीय इमं इमं आत्मानम, पास ले जाए उप उपसर्ग आया हो परिषद शब्द में, पहले उपसर्ग क्या है उप, तो ये उपनीय माने पास ले जा करके, टू नीय धातु टू लीड टू कैरी अर्थ में आता है, तो ले जा करके
ऊपर किसको ले जाता है? इमं आत्मानं जीवात्मा, इमं आत्मानं उपनीय, इमं आत्मानं कहाँ ले जाता है? ब्रह्म व्यापकता, परिच्छिन्नता को व्यापकता में बदल देता है, है ना? उपनीय इमं आत्मानं अपास्त ब्रह्मद्वयम् कहाँ के ले जाता है? कि ब्रह्म का व्यापकता में रहता है, नाश कर अपास्त के लिए गति अवसर दूषण धातु करता है ना, मतलब नाश कर अथवा शिथिल करके क्या द्वैत बुद्धि भेद बुद्धि भेद बुद्धि को मिटा करके व्यापकता पूर्णता के बाद में ले जाते हैं वो हो गया उपनिषद। तो उप और निषद के धातु का अर्थ बोल दिया। फिर नि उपसर्ग है निहंति अविद्या तज्जम जो नि उपसर्ग का अर्थ कहते हैं निहंति मारता है किसको मारते हैं नाश करते हैं अज्ञान को नाश करते हैं निहंति अविद्या तज्जम जो अविद्या और अविद्या की कार्य को जो नाश करते हैं तस्मात उपनिषद भवेत कहीं पर उपनिषद माता ऐसा भी लिखा हुआ है इसलिए इसको उपनिषद ऐसा इस नाम से कहा गया है। तो वेद वेद का अंतर पाते उपनिषद उपनीय इमं आत्मानं ब्रह्म अपास्त अपास्त द्वयम् यतः भेद बुद्धि को नाश करना ये हो गया आपका शतली धातु का अर्थ। शतली धातु का अर्थ हो गया उपशब्द लग गया शतली धातु का अर्थ लग गया कि नाश कर देते हैं क्या भेद बुद्धि को नाश करते हैं बार 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 एकत्व की कथन एकत्व की चिंतन करते करते अब अपनी परिच्छिन्नता वही परिच्छिन्नता में आत्मबुद्धि नहीं करना ही हो गया आपका अज्ञान विनाश यंति अविद्या तदजम अविद्या और अविद्या का जो कार्य भेद बुद्धि वो हमसे भिन्न है। अभी क्या होता है कोई कोई भी व्यक्ति को देखते हैं वस्तु देखते हैं पहले मन में आता है वो परंतु क्या हो जाएगा इसके बाद में बस आत्मा सभी आत्मा ही है सर्वम इदं ब्रह्म इदं सर्वम जगत् आत्मा ये उपनिषद पढ़ते पढ़ते किसी में से भेद बुद्धि मिल जाता है नियंति अविद्या तद्यम च तस्मात् उपनिषद भवे अथवा तस्मात् उपनिषद माता इसलिए इसको उपनिषद इस नाम से कहा गया। तो उपनिषद शब्द का उपसर्ग और धातु का अर्थ बताया और उपनिषद की सामान्य परिभाषा जो वार्तिक का सूत्र चल जाते हैं उसको बताया वेद की परिभाषा उपनिषद की परिभाषा उपनिषद शब्द कैसे बना यहाँ तक आपने आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप उसके आगे लिखे गौरोपादीय कारिका कारिका किसको बोलते हैं हम जो दर्शनों में एक पहले पढ़े शांख कारिका वार्तिक तो प्रत्यय अनुक्त दुरुक्त जो भी जिसमें भाष्य में नहीं कहा गया उसका वर्णन जहाँ पे होता है उसको वार्तिक बोलते हैं कारिका हम लोग दो पढ़ते शांख कारिका और जो है मांडुक कारिका ये सूत्र से थोड़ा बड़ा है और पद व्याख्यान से कम है और भाषा इसका सरल है। सूत्र जैसे अल्पक्षरम है अल्पक्षरम असंदिग्ध सारवद विश्वतरूप में सूत्र होता है इसका परिभाषा अल्पक्षर में अनेक शब्द बोलते हैं ब्रह्मसूत्र है मोक्ष सूत्राकार में सभी दर्शन सूत्राकार में लिखे हुए हैं। कारिका क्या होता है एक हमने हेमचंद करके एक मतलब अच्छे विद्वान में उन्होंने इतना ही परिभाषा मुझे मिला कि कारिका तो सल्प वृत्त बहुरर्थस्य सूचनी श्री है ना कारिका तो सल्प वृत्त बहुरर्थस्य सूचनी कारिका क्या होता है अल्प शब्द में अभी गहरा अर्थ को बता कारिकास्तु सल्प वृत्त बहुरर्थस्य सूचनी हेमचंद एक विद्वान भी वेदांत के उनका ये परिभाषा तो गौरपादी एक गौरपादाचार्य भी हमारी परंपरा में जो हम लोग बोलते हैं नारायणम पद्म भवन वशिष्ठम शक्तिं च पुत्र परमशरणं च व्यासं शुकं गौरपादं यानी कि ये आचार्य ऐसा लगता है कि द्वापर की अंत में जब शुक हो जाए उस समय अथवा कलि के शुक में लंबा समय तक योगी पुरुष के बद्रीनाथ में तपस्या और नारायण की कृपा से उनके सामने सत्य उद्भूत हुआ गजा हुआ तब जाकर उसने की निर्देश इस ग्रंथ को लिखे मांडव का हमारे जो आनंद गिरी जी ऐसा स्मरण बनाते हैं ऐसा तो और इनको स्मरण करते हैं हमारे नष्कर्म सिद्धि पर रहते हम लोग नष्कर्म सिद्धि में सुरेश्वराचार्य जो है चतुर्थ अध्याय में जाकर के वेदांत सिद्धांत को परंपरा से प्राप्त हुआ एक श्लोक में लिखे थे नष्कर्म सिद्धि 444 एवं गौड़े द्रवीरेण उच्चैरर्थ प्रभाषितः अज्ञानमात्रोपाधि सन् अहम् इद्री महेश्वरः क्या बोलते हैं एवं इस प्रकार से गौरपादाचार्य गौर इस दो जगह पे कहते हैं कोई कहते हैं बंगाल में एक जगह है मालदा उसको वहाँ पे गौर से गौर उनका नाम लोगों ने कभी नहीं बोलते थे ये
जिसमें उड़िया बाबा बंगाली बाबा इस प्रकार से बोलते हैं ना, उस नाम पता नहीं लगे, जिससे गौर देश के इतने लोगों को पता लग गया जिससे उनका नाम ही हो गया गौर पता चल। और भगवान शंकराचार्य ने जो द्रविड़ दृष्टि एवं गौरे द्रविड़े न पूज्य ही, इस प्रकार पूज्यपाद गौर पादाचार्य और भगवान शंकराचार्य के द्वारा जिस विषय को प्रकाशित किया गया क्या दिखाया गया, अज्ञान मात्र उपाधि, बस अज्ञान मात्र उपाधि को लेकर के ईश्वर से लेकर सारा संसार की भेद दिखाई पड़ता है। यानी कि अज्ञान नाश होने पर कहने का अभिप्राय क्या है, अज्ञान नाश होने पर ईश्वर तक की जो बुद्धि है वहां तक नाश हो जाना चाहिए, बस एक शुद्ध असंग व्यय होता है। जब तक हमारे अंदर जीवन है तब तक ईश्वर की आवश्यकता है, जब तक ईश्वर की मान्यता है हमारे अंदर। जैसे ईश्वर एक औपाधिक वस्तु है, जीव भी एक औपाधिक वस्तु है, माया उपाधि है, एक अविद्या बोलते हैं माया बोलते हैं, तो उपाधि नाश होने पर एक शुद्ध चिंतन ही बस, एक छोटा आप घड़ा और एक बड़ा बिल्डिंग जैसे तोड़ देंगे तो एक आकाश ही बचेगा, शुद्ध आकाश ही रहता है। इस भाई सिद्धांत हमारे वेदांत मुख्य सिद्धांत है, निष्कर्म सिद्धि आया हुआ है 444 गौरपदाचार्य की सामान्य छोटा परिचय है, उसके साथ अथर्व वेदीय तो वेद चार है उसके पहले आपका ड प्रत्यय हो जाए तो बनता है मंड, फिर उसके बाद उक लगता है, उक होता है मांडूक, पहले मतलब होता है मंडूक, पहले क्या बनता है मंडूक, मंडूक का मतलब होता है फ्रॉग, फिर उसके बाद उसके साथ य और य मतलब य चौबर को भी निसर अचोण हिंदी में जो य आता है ना और उसमें य बचते हैं, य तो ईत हो जाता है य बचता है तो आदि उसको वृद्धि कर दिया तो क्या हो जाएगा मां मांडू और क में य लगे तो मांडू क्य मतलब है ना मेढक की तरह, मतलब मेढक संबंधित गति क्या होता है, जीव कूद कूद के एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है, जागृत स्वप्न से सुप्ति अवस्था में जाता है, ये कूदने का मेढक जैसे एक कूद दिशा में जाता है, उस अभिप्राय से लेकर के इसको मांडू का मतलब एक मेढक की तरह जीव की देखिए।
संबोधन, देव शब्द का संबोधन हो गया। हे देवा सुनियामह, ये है आपका प्रथम मतलब फर्स्ट प्रश्न पूर्ण लंबी उत्तम कुछ बहुवचन क्रियापद है। सुनियामह मतलब हम लोग सुने, हम लोग सुन सके, विसर्ग नहीं है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि विसर्ग होता तो वो हो जाता है, यानी कि लोट लगा कर लोट लगा कर, यानी कि हम लोग सुन सके भगवान, हम हे देवता लोग हम लोग सुन सके, क्या सुन सके भद्रम है ना, कल्याणकारक शब्दों को हम सुन सके। कैसे सुनेंगे, कर्मों के द्वारा। अब यहाँ पे होना चाहिए था कर्ण ही, कर्ण तो अकारांत शब्द होता है, इसलिए अकारांत शब्द के तृतीय बहुवचन क्या होता है, राम शब्द के तृतीय बहुवचन होना चाहिए, क्या चाहिए था कर्ण ही, हम तो वैदिक प्रयोग कर दिया कर्ण ही। इसका भी आप ये सोचें कि इसका रूप कैसे बना, ये सोच नहीं पाएंगे, वैदिक प्रयोग का प्रयोग हुआ परंतु ये नहीं। मतलब क्या हो गया, हे देवगण हे देवता है, मतलब क्या हो गया प्रार्थना देवता से, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय में एक एक अधिष्ठात्री देवता बैठे हुए, उस देवता यदि हमें अनुग्रहित ना करे तब इंद्रिय जो है काम नहीं कर सकते। और वो भी देवताओं की अनुग्रह क्या है कि हमारे अंदर अच्छा प्रेरणा देना, अच्छा वस्तु को सुन भी सकते हैं बुरा भी सुन सकते हैं, यहाँ पे हमें भगवान अच्छा वस्तु सुनने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रार्थना से बोल रहे हैं कि हे देवा कर्ण वयम कर्ण भी भद्रम श्रुयाम, है ना, कि हम लोग अपने कानों के द्वारा अच्छे उपनिषद के शब्दों को सुने। ठीक इसी प्रकार से कि भद्रम अक्षभीर पश्चिम, है ना, अपने आंखों के द्वारा हम लोग अच्छा वस्तु को देखें। ठीक है, परंतु एक अक्षर है यजत्राहा, देवा में भी विसर्ग था वहां पे, क्योंकि रामो रामो रामा उसका प्रथम बहुवचन में भी रामा बनता है, संबोधन के बहुवचन में भी रामा बनता है, तब यहाँ पे देवताओं के अर्थ देवा संबोधन हो गया। यजत्र पद जब आया हुआ इसका दोनों प्रकार से अर्थ दिखाई देता है, मतलब प्रथमार्थ में भी दिखाई पड़ते हैं और संबोधन अर्थ में भी दिखाई पड़ते हैं। यदि प्रथमार्थ में होगा तो बात की कर्ता मिल जाएगा आपको, मतलब वयम यजत्रा ये शास्त्रीय विधि से जीवन यापन करने वाले हम लोग, जाप यज्ञ करने वाले यजत्रा, यजत्र प्रातिपदिक है, यज धातु से बने हैं, सर्व प्रत्यय यजत्र उसके प्रथम बहुवचन है, तो यहाँ पे यजत्र शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जाप यज्ञ करने वाले हम लोग। हम लोग का क्या होगा कि भगवान हम लोग जाप यज्ञ आदि करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उपनिषद की वाणी को सुन करके अपने जीवन को मुक्ति को ले जा सके। और यजत्र शब्द का अर्थ ये देवताओं के विशेषण हो जाएगा, तब देवताओं का विशेष मतलब क्या हो जाएगा कि जाप यज्ञ को ग्रहण करके हम आशीर्वाद देने वाले देवता लोग, यजत्रा यानी देवताओं के विशेषण करेंगे तो तब संबोधन में चला जाएगा, रूप तो एक ही दिखेगा। संस्कृत भाषा की ये आपके पास सुविधा है, आप उसको किस प्रकार से देखेंगे, दोनों प्रकार से आपका इसका अर्थ मिलता है। कर्ता रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव प्लूरल, ठीक है ना, नॉमिनेटिव प्लूरल क्या हो जाएगा कि हम लोग जाग यज्ञ करने वाले हम ऋषि लोग हमारे कानों के द्वारा अच्छे वस्तु को सुने, आपके आंख के द्वारा अच्छे वस्तु को देखे। और यदि हम इसको संबोधन में ले जाएंगे हे देवगण, मतलब हमारे कर्मों के विनिमय में हमको अच्छा फल देने वाले देवता लोग हमारे ऊपर इतना कृपा दृष्टि रखें कि हम अच्छा कर्म को संबोधन अच्छी चीज को सुनो, उपनिषद ज्ञान हमें आ जाए, इस भाव से हम जाग यज्ञ आदि कर रहे हैं, आपको संतुष्ट कर रहे हैं कि आप हमारी मार्ग में प्रतिबंध देवता लोग अनुग्रहित करने पर ये होना सकता है। ये हो गया फर्स्ट ग्रह, परंतु ठीक है इंद्रिय तो ठीक है परंतु बुढ़ापा में आ जाता है, इंद्रिय शरीर स्थिति हो जाता है, तब बोलते हैं कि स्थिर अंगे पुष्पवांश स्वस्थ अनुभि, मतलब अपने पुष्ट अंगों के द्वारा आप लोग उनको स्तुति करते हैं, पुष्पवांश तनु मतलब सुष्ट तनु स्थिर अंगे तनुभि, शरीर के द्वारा आप लोगों की स्तुति करते हुए, मतलब देवताओं की कर्म देवताओं मतलब भगवान में मन को लगाते हुए, व्यशेम मतलब व्यतीत करूं, देवहितम यदायु, है ना, देवताओं के हित के लिए, यदायु मतलब जो भी आयु हम लोगों को प्रदान किया गया है, जो भी आयु हमको प्रदान किया गया है वो आयु को हम लोग जो क्या करें कि व्यशेम मतलब व्यतीत करूं, बी पुरुषार्थ को अस्थातु दिखाई पड़ते हैं, अस्थातु बीताऊं, इस बीपुष्ट को बोलते हैं बीताऊं, वैसे ही
देवहितम यत आयु, मतलब जो आयु आपने भगवान ने हमारे लिए प्रोवाइड किया उस आयु को हम लोग बस केवल इसी काम में ही पूरा करें और भगवान प्राप्ति में अथवा आत्मज्ञान में हम लोग मतलब प्रवृत्त रह सके उसी काम कर सके ये प्रार्थना। देखिए रोज हम इस शांति मंत्र को बोलते हैं, इस शांति मंत्र के अर्थ के साथ जब हम सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ तो अंदर रह ही जाएगा। हम रोज भगवान को बोलते हैं भगवान जितना जीवन का चला गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जितना बचा हुआ है उसको तो हम सही मार्ग में लगा सकते हैं, केवल आपके नाम लेकर ही जीव इस भाव से प्रार्थना करते हैं। पर वो भी ये है कि यदि शरीर स्वस्थ ना रहे, इंद्रिय ठीक ना, तब तो भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि स्थिर दिलो पुष्ट अंगों के द्वारा आप चिंतन करते हुए जितना आयु आपने हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया उसमें जितना बचा हुआ है इसी में व्यतीत कर सकूँ, इसी में व्यतीत कर सकूँ हमारी प्रार्थना। स्थिर अंगों के द्वारा और शरीर के साथ तुष्ट मांस मतलब स्तुति करते हुए वैश्यम मतलब व्यतीत करूँ, जिसमें कि देव हित देवताओं के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए मतलब और भी देखिए कि देवताओं के हित के लिए मतलब देवताओं की चिंतन है। देवताओं के हित क्या है, देवता हम यहाँ पे मदद करते हैं, देवता यहाँ पे फंसा हुआ है, हम अपने कर्मों के द्वारा देवताओं को फंसा के रखा, परंतु जब हम मुक्त हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, सोचते हैं करेंगे मन कुछ ना कुछ हमारे प्रतिबंध आ जाता है। तो ईज है देवताओं से प्रार्थना यही इसीलिए है कि हमारे अंदर कभी अलसता ना आ पाए, निरंतर व्यशेम देव हितम यदा मम पूरा आयु बस इसी प्रयास में लगे रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि वो समस्त विघ्न को हमारे अंदर जो भी विघ्न इस विद्या प्राप्ति में प्रतिबंध हो सकते हैं उस विघ्न को नाश करने वाले गुरु पक्ष भगवान विष्णु उपलक्षित है, इसके द्वारा उपलक्षित कहे उनके बाहन को कह करके भगवान विष्णु तो समझ में आते हैं। रोज पाठ में निष्ठा
ये बुद्धि के देवते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति न बृहस्पति तथा, ठीक है ना, स्वस्ति मतलब आपके हम लोगों के लिए उद्यम, स्वस्ति न इंद्र हमारे लिए इंद्र कल्याणकारक हो, उसी प्रकार स्वस्ति न हम लोगों के लिए उषा मतलब पुष्ट करने वाले देवता हमारे लिए कल्याणकारक हो, स्वस्ति नाक्ष मतलब हम लोगों के लिए जो गरुड़ पक्षी जो अनिष्ट का नाश है वो कल्याणकारक हो, स्वस्ति न बृहस्पति। अभी इस पहली जगह में देखिए न में विसर्ग था, इकार से पहले विसर्ग रह गया, आगे प आया तो विसर्ग वैसे ही रहेंगे, आगे त आया तो विसर्ग दंत से हो गया, और यहाँ पे आगे ब्रीच ऑफ कंसेंट हस है वहाँ पे क्या हो जाएगा विसर्ग उकार होगा तो हो गया न हम लोगों के लिए, ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा भी आपको ग्रामर पता है तो संधि तुरंत आपको विसर्ग संधि किया जाए तो रूप ले रहे हैं, देखो एक जगह पे विसर्ग ड्रॉप हो गया हम लोगों के लिए बृहस्पति, बृहस्पति को ना बुद्धि के हमारी बुद्धि में स्वच्छता है, शुद्ध हो तो बुद्धि भेद बुद्धि मिल जाए, इसलिए शांति ओम शांति 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 तीन बार क्यों बोलते हैं जानते हैं इसको, तीन प्रकार की गुरु है अध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिभौतिक। आप में आप में कोई बुखार पड़ा कोई बीमार आ गया यू भी अध्यात्म और अन्य भूत से हमें जो पीड़ा हो गया रास्ते में गया कुत्ता काट दिया आपको गाय घुस दिया और खच्चर ने पेड़ मार दिया जो देवता ये तीन प्रकार के हमारे क्या होता है पठन पाठन में प्रतिबंध बनता है, आ रहा था पढ़ने में कोई कुत्ता अथवा गाय अथवा बंदर चेक कर गी गया ऐसे हुआ एक तब जाकर के पाठ कुछ दिन के लिए बंद हो गया, फिर जो अथवा मान लीजिए दूसरा कोई अपने आप ही बीमार पड़ गया वो काठन के दम से कभी नहीं हो पाया, और फिर जैसे बीच में कोई नेचुरल बार आया भूकंप आया कुछ हुआ तो फिर बताया इस प्रकार से तीन प्रकार की शांति से प्रबंध ये उपसर्ग की उपशम हो जाए जो प्रतिबंध है उपशम हो जाए इसलिए अब जो है भगवान शंकराचार्य इसके शुरू में दो सुंदर विषय वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए दो श्लोक लिखते हैं एक विधि मुख से एक निषेध मुख से, विधि मुख से पॉजिटिव कैसे विस्तार अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया वेदांत के सार है, अध्यारोप अपवादाभ्यास निष्प्रपंच प्रपंच जो हमारे ये सिद्धांत है कि बिल्कुल निराकार निर्विशेष को हम समझा नहीं सकते सिवा से, तो क्या करना पड़ता है हमको कुछ अध्यारोप करना है, तो जब हम अध्यारोप करते हैं तो हम अपवाद भी करना पड़ेगा, तो अध्यारोप करके उस वस्तु को हम दिखाए फिर दिखाने के बाद तो क्या हुआ कि वो जितना हमने आरोप किया तो उसको मिटा देते हैं, तो क्या बचता है कल हम एक दृष्टि पर समझा रहे थे आप समझ लेते हैं खरा पानी प्रतिफल बिंब प्रतिबिंब सब टूट गया पहले बिंब और शब्द हो रहा था क्या हो जाएगा ना प्रतिबिंब है ना बिंब है अंदर कोई एक वस्तु इसी को अध्यारोप प्रक्रिया और अपवाद प्रक्रिया भगवान शंकर कहते हैं कि जो है पहले अध्यारोप प्रक्रिया में बताएंगे या अपवाद प्रक्रिया में करेंगे निश्चित रूप से बोलेंगे, जैसे हम लोग तैतृ उपनिषद अंतिम में भगवान शंकर जी मंगलचंद रोज बोलते थे उससे क्या होता है याद होता और इसका अर्थ भी आपको विषय वस्तु और इसकी इस उपनिषद के अंतिम में तीन श्लोक भगवान भाष्यकार लिखते हैं, एक हाँ इसका अंतिम में एक तो ब्रह्म जी को बोलते हैं ईश्वर प्रणाम करते हैं, फिर मान लो कार्यक्रम है बहुत बड़ा चार्य को प्रणाम करते हैं, फिर गोविंद पाद को प्रणाम करते हैं, यदि हम इसको लास्ट दिन में पढ़ेंगे तो फिर इसको याद करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, तब तो हमारे गुरु परंपरा को प्रणाम करना मेरे मन में एक भावना होना चाहिए, तो हम पहले मतलब बिगनिंग एंड द एंड हम पहले और उसको चाहे हमारे 5-10 मिनट समय जाएगा कि एक श्लोक पढ़ने में एक मिनट लग जाता है, एक अनुष्टुप छंद के एक श्लोक पढ़ने में आपको 15 सेकंड लगता है, अनुष्टुप छंद मतलब चार पाद एक दूसरे का इसको पढ़ने में आपको 30 सेकंड लगेगा, कोई बात नहीं हम धीरे भी चलेंगे पर क्या हो जाएगा धीरे धीरे आपका याद हो जाएगा, देखना कि कितना अद्भुत इसका जो है अर्थ है इसका जो भगवान भाष्यकार की यहाँ पे तो विषय वस्तु को प्रतिपादन करते हैं
ब्रह्म से नारायण से लेकर के अपने गुरु तक जो तीन श्लोक है, तो इसको आज हो सकता है यहाँ तक हो, परंतु रोज इसको पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे एक बार पाठ शुरू में दो और पाठ के अंत में, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, थोड़ा समय जाएगा परंतु आपके सामने विषय वस्तु है। अब ये अर्थ देखिए, अब क्या हो गया, अर्थ श्रीमद शंकर भगवत पाद विरचित भाष्य, ठीक है। अब इसके बाद मतलब शांति मंत्र के बाद श्रीमद भगवान शंकराचार्य उच्च पाद भगवत, उनका कोई कहता है शंकर जी का अपना नाम था भगवत पाद, भगवत के पास प्राप्त हुआ जिसको भगवत पाद श्रीमद शंकर। यहाँ पे देखिए शंकर दिखाई क्या थे, शंकर ठीक है ना, इधर सच्चोटी लगा अस्तोष्ट महसूस करता है, वहाँ पे श्रीमद तकार को चकार हो गया, अश्वा को छकार हो गया, विरचित उनके द्वारा रचना किया गया जो भाष्य, भाष्य नहीं है पंथ विषय वस्तु का प्रतिपादन करता है। ये छंद आ रहा है, इस छंद का नाम है श्रद्धा छंद, श्रद्धा श्रद्धा है, श्रद्धा मतलब होता है क्या, तो माला सर सुनो मतलब तेरा मेरा चलने वाला उसको धारण करना, इसमें सात 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 14 अक्षर का एक पाद होता है, उसमें सात 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 21 अक्षर का एक पाद होता है, उसमें सात 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 का विभाजन होता है, ठीक है, ऐसा विभाजन करते पढ़ेंगे तो आपको अर्थ भी आएगा। प्रज्ञान सुप्रतान ही पुनरपिधीषणो भाषितान् कामजन्यान् पित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयम् परमामृतमजम् ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। एक साथ मिलकर प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान् सर्विष्टान् पुनरपिधीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजमिदं ब्रह्मयत्तन्। देखिए पहले में प्रज्ञान अंशु प्रदान, देखो सात पद है वहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छह सात प्रज्ञान अंशु चार प्रदान है, तीन आपको समझ में आया, सात अक्षर ठीक है, इसी प्रकार स्थिर चर निकर सात हो गया ठीक है, एक एक अच जहाँ पे आएगा वहाँ एक पद हो जाए अच आने पर वर्ग होने, और व्यापी भी व्याप्य व्यापी तीन आप दो पांच और लोकान में दो सात ठीक है ना, तो प्रज्ञान अंशु प्रताने स्थिर चर निकर व्यापी भी व्याप्य लोकान, फिर भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, भुक्ता में दो पद है भोगान में दो पद है और स्थविष्ठान में तीन पद है, पुनरपि धीषणो ठीक है ना, ये चार तीन सात, फिर उद्भाषितान को ऊपर छोड़ दिया, दुभाषितान कामजन्यान, यहाँ से देखिए आपको दुभाषितान कामजन्यान तीन और चार सात ठीक है। आगे पित्वा सर्वान विशेषान, पित्वा दो सर्वान दो विशेषान तीन सात, स्वपिति मधुर भुक् स्वपिति तीन मधुर भुक् चार ठीक है, माया भोजयन्नो सात, माया भोजयन्नो भोजन
माया संखातुरीयम् सात्पद परमामृतम् अजम् सात्पद ब्रह्मजत्त नतोऽस्मि। ठीक है, ये सामान्य श्लोक है, श्लोक का पाठ कितना होगा, सर्वधारा छंद है, सात 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 के विभाजन से इसको उच्चारण होते हैं, सुनने में अच्छा। अब शुरू से हम चल सकते हैं मंत्र के पहले, जत ब्रह्म तम नतोऽस्मि, लास्ट लाइन में देखिए, जत ब्रह्म तम नतोऽस्मि। यत शब्द तो हमेशा ध्यान रखना, कभी तो मैं कई बार बोला किसका दूसरा होता है प्रसिद्धि का, जत शब्द तो प्रसिद्धि का होता है, जो प्रसिद्ध ब्रह्म है उसके प्रति हमारी नमस्कार, उसके प्रति हम, आप ब्रह्म प्रसिद्ध कैसे, यदि प्रसिद्ध होते तो सभी जान लेते, कहाँ जान पाए आप लोगों ने, नहीं जान पाए, तब होता तुम जानते हो प्रसिद्ध है, तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, उसको दिखाने के लिए अब शुरू से आएंगे। तो मुख्य रूप से क्या हो गया, जब ब्रह्म तन न तोष्मी, ये श्लोक है, ये जो व्यापक पूर्ण तत्व है, तन न तोष्मी, उनके प्रति मैं झुका हूँ। मैं ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को प्रणाम दश में बताया था, दस में से गुरु मूर्ति नमो इदं श्री दक्षिणा मूर्ति, प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से प्रणाम करते हैं। सबसे अच्छा प्रमाण प्रणाम क्या है, अभिन्नता की चिंता, सबसे अच्छा प्रणाम है एकत्व की चिंता, दूसरा प्रणाम है भगवान को मन से उपासना करके मन में भगवान के रूप, तीसरा प्रणाम है शरीर से प्रणाम, मतलब तीनों प्रणाम के पीछे एक ही अभिप्राय रहता है, अभिन्नता की चिंता मतलब परिच्छिन्नता को तोड़ देना, भगवान का अंदर बैठना मतलब अपने वासनात्मक वृत्ति को हटा देना, और सामने झुकना मतलब अंदर से अहंकार को बाहर देना। आपकी जेब में कोई वस्तु हो झुकेंगे तो बाहर निकाल जाएगी, नहीं निकल जाएगा, तो ऐसे ही जो अंदर झुकेंगे किसी के सामने तो क्या होता, तो ये भगवान शंकर किसी भी अवस्था में आप तीनों को ले सकते हैं, अपने अवस्था के हिसाब से अपने मनोवृत्ति को, अच्छा भिन्नता की चिंता नहीं है, ठीक है, भगवान शंकर कैसे है, जैसे आदित्य का
रश्मि किरण है, आदित्य का किरण यहाँ भी विद्यमान है, आदित्य का किरण यहाँ पे विद्यमान होने पर भी यहाँ पे टुकड़ा रूप में दिखाई दे रहा है, अंशु रश्मि जो है एक टुकड़ा हमारे शरीर में आदित्य का किरण अथवा ईश्वर ब्रह्म का प्रकाश है पूर्ण रूप में, क्योंकि निरवय पदार्थ है उसका टुकड़ा होना संभव ही नहीं है, जो निरवय वस्तु है उसका टुकड़ा होना संभव नहीं है, परंतु प्रतीति होते आकाश का टुकड़ा होना कभी भी संभव नहीं है, परंतु घटाकाश मठाकाश के माध्यम से टुकड़ा जैसे प्रतीति होते हैं, इस प्रकार इस उपाधि के माध्यम से प्रज्ञान अंश मतलब अपनी चेतनता अथवा ज्ञान स्वरूप प्रकाश के विस्तार के द्वारा प्रदान मतलब तो विस्तार ठाकुर है उसके बोलते हैं तन और प्रतान क्या दिया सत्ता स्फूर्ति सबको प्रदान किया, जैसे बोलता है किसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया स्थिर चक्र चर मतलब स्थावर और जंगम, स्थिर मतलब हो गया स्थावर चर मतलब हो गया जंगम, जितना संसार में स्थावर जंगम निकर मतलब समूह, स्थिर मतलब स्थावर चर मतलब जंगम निकर मतलब समूह, मतलब स्थावर जंगम संपूर्ण समूह को व्यापी भी अपनी व्यापी भी जो व्यापक किरणों के द्वारा किरण पूर्ण व्यापक है उस अपने किरणों की व्याप्ति के द्वारा व्याप्य व्यापक मतलब घेर करके अंदर बाहर सब है ना घेर करके प्रज्ञान अंश प्रदान स्थिर चर निकर व्यापी भी व्याप्य है ना, मतलब क्या था संपूर्ण सृष्टि में स्थावर जंगम संपूर्ण सृष्टि के अंदर सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए अपने ज्ञानात्मक प्रकाश के द्वारा सब इसलिए वस्तु की सत्ता और उसकी स्फुरन हमें होते रहते हैं, वस्तु की सत्ता और उसकी स्फुरन हमारी सत्ता से है और हमें उसका स्फुरन कोई भी स्फुरन है अलग नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना ज्ञान स्वरूप मैं पहले हूँ फिर वस्तु की सिद्धि होती है, इसीलिए तब जाके आप इसीलिए प्रमाण क्योंकि प्रमाण के माध्यम से ज्ञान स्वरूप मैं प्रमाता बन करके प्रमाण से प्रमाण के माध्यम से प्रमेय वस्तु को सिद्ध करता हूँ, इसलिए प्रमाण मुझे सिद्ध नहीं करता, मैं रहने के कारण प्रमाण सिद्ध होता है, इसलिए प्रमाण के द्वारा मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं तो प्रमाण से पहले देता हूँ, इस प्रकार से कहना ही होता है प्रज्ञान अंश बताने स्थिर चर निकर व्यापी भी है ना, जो कोई भी प्रकाश होते हैं ना एक कोई एक प्रकाश मान लो सबको प्रकाशित करते हुए भी वो आपका हर चीज को प्रकाश करते हुए जरूरी नहीं है, सूर्य प्रकाश के हम सभी की वस्तु को देखते हैं परंतु सूर्य प्रकाश के द्वारा आपका शरीर के अंदर कहाँ पे कोई दूसरों को देख पाएगा उसके लिए आप देखिए ये जो तब यदि यही प्रकाश सबको प्रकाशित करना है तो इस प्रकाश को हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, यदि सभी के अंदर एक ही ज्ञानात्मक प्रकाश विद्यमान है तो हमको समझ में आना चाहिए, बोलते हैं जिस प्रकार क्या होता है कि सुवर्णवित वो क्या होता है वो किसी भी कितना भी आप गहना लाइए उनके पास उनको गहना दृष्टि ऑर्नामेंट दृष्टि नहीं रहता है, इनको सुवर्णवित है वहां सोना कितना को देखते हैं ठीक है ना, यदि हम भी इस प्रकार हमारे अंदर आत्मवित्त आ जाएगा तब हम क्या हो जाएगा वो दृष्टि हमारी खुल जाएगी, वो प्रकाश की दृष्टि से हम तब वहाँ पे वस्तु नाम रूप रहेगा उस नाम रूप के अंदर ही हमको सत्ता स्फूर्ति वाला चेतन का अनुभव होगा है ना, वो इस प्रकार की आपका हड्डी पसली कुछ टूट जाता है उसके लिए आपको एक्सरे करके एक्सरे चाहिए हम उसमे के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे एक्सरे व्यू चाहिए इस वस्तु के अंदर, यहाँ पे नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता भी है और यहाँ पे सच्चिदानंद भी है किसी भी वस्तु में, तो हम नाम रूप और अर्थ क्रियाकारिता का हम स्थूल आंख से देख लेते हैं परंतु सच्चिदानंद को देखने के लिए जो हमारे ब्रेन चाहिए वो है ज्ञान, वो अभिदृष्टि हमसे नहीं, यदि वो खुल जाता है तो क्या बोलेंगे इधम सर्वम जगदात्मा सर्वम इदम ब्रह्म, देखिए वस्तु तत्व तो पहले मतलब इसी में कैसे शुरू में भगवान शंकर जी कैसे वस्तु तत्व प्रज्ञान अंश प्रदाने स्थिर चर निकर व्यापी भी उस व्यापक अंश किरणों के द्वारा व्याप्य व्यापक मतलब घेर करके लोकान द्वितीय बहुवचन है भोगा व्याप्य लोकान भोगान स्थविष्ठान भोगान भुक्त्वा है ना, ये समस्त लोक और लोक में रहने है ना जितना अलग चतुर्दश भुवन में अलग अलग लोग अलग अलग जीव अलग अलग भोग वस्तु ठीक है ना, परंतु अब
जागृत अवस्था में आप क्या करते हैं, स्थूल वस्तु भी भोग करते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर इंद्रियों के माध्यम से बाहरी विषय को भोग करते हैं। तो जो व्यक्ति जागृत काल में जो व्यक्ति भोग कर रहा है, स्वप्न काल में भी वही, सुषुप्ति काल में भी वही भोग करने वाला है। भोक्ता अलग नहीं है। मैं भुक्त शब्द इसलिए प्रयोग करके समझना आसान हो जाएगा, बात में क्या भुक्त ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं व्याप्य लोकान स्थूल भोगों को भोग करके, है ना। ये स्थूल शब्द होते हैं ना, स्थूल, उस शब्द के साथ आपका उसका विशेषण है, मतलब स्थविष्ठ उसका विशेषण होता है। भोगान स्थविष्ठान, स्थूल शब्द का क्या होता है कि स्थूल यति बनता है, नाम धातु है, उसमें इष्ठन प्रत्यय होता है, लकार का लोप हो जाता है और स्थूल को स्थव आदेश हो जाता है, स्थूल को स्थव हो जाता है। स्थव स्थूल में उकार है, स्थव अष्टम होकर के उसके बाद क्या होता है, इष्ठन प्रत्यय लगता है, इष्ठन प्रत्यय के कहते हैं स्थविष्ठ, स्थविष्ठ मतलब स्थूल होता है, सब भोग मतलब स्थूल वस्तुओं को भोग करते हैं, स्थविष्ठान भोगान स्थूल वस्तुओं का, स्थविष्ठ मतलब स्थूलतम वस्तुओं को भोग करते हुए फिर बोलते हैं पुनरपि, फिर दोबारा, फिर दोबारा मतलब ये जो पहले ये हमारे क्या होते हैं जागृत काल में हम जो भी कुछ भोग करते हैं उससे हमारा धर्म धर्म उत्पन्न होता है। जागृत काल में हम जो भी कुछ भोग करते हैं उससे हमारा धर्म धर्म उत्पन्न होता है और धर्म धर्म रूपी आचरण करने के लिए हम स्थूल प्रवृत्त होते हैं। स्वप्न काल में जो हम भोग करते हैं उसमें कोई अपने किसी को खून भी कर दे, किसी को दान भी कर दे, उसका आपको कुछ भी फल मिलने वाला नहीं, कुछ भी फल मिलने वाला, इसीलिए यहाँ धर्म के साथ संबंध नहीं रहता। पर अब यहाँ पे क्या होता है, जागृत अवस्था में अविद्या काम कर्म और फल शुद्ध, ठीक है ना, अज्ञान, अज्ञान से वासना, वासनाओं से कर्म और कर्मों के फल, ये आपका जागृत अवस्था में। परंतु आप जब स्वप्न अवस्था में जाएंगे तब वहाँ पे कोई स्थूल कर्म नहीं है और वहाँ पे क्या है आपका उसका कर्म फल, स्थूल कर्म का फल नहीं है, केवल मात्र क्या है स्वप्न अवस्था में अज्ञान और वासना काम काम जन्य, इसलिए बोलते हैं काम जन्य। स्वप्न को भी जब देखते हैं जागृत काल में जो वस्तु हम प्राप्त करते हैं उसका देव देव वासना बैठा रहता है स्वप्न काल में, उसी को व्यक्त करते हैं। ये एक एक माइलस्टोन है। क्या माइलस्टोन, किस लिए माइलस्टोन है, हम भगवत चिंतन करते करते भगवत प्राप्ति के काम जा कौन वस्तु स्वप्न देखते हैं, जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा मन में बल होगी उसी को हम स्वप्न में देखते हैं। यदि आप उस स्वप्न में करते, हमने नहीं बोला विवेकानंद हमको दिखा, यदि आपको भी सपने में पहले भगवान देवी देवता आने लग जाएगा फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो कि मैं एक अशांत हो गया, एक स्वप्न देखने लग जाए। एक अपय दीक्षित करके हुआ, उसने अपने शिष्य को बोला कुछ भांग पी लिया, बोलते कि मैं भांग पीने के बाद क्या बोलता हूँ क्या करता हूँ, तब देखा कि वो एक शिव जी का स्तुति सुंदर ही होता, तब बोलते तब ठीक है मान लिया थोड़ा सा, देखो स्वप्न काल में पता नहीं है, जागृत का मैं पता लगाने के लिए हाँ आपको ठीक है तरह भगवान मन लगा है सब। ये जो है ये क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम भगवान ईश्वर चिंतन में हमारा मन यदि लगा होगा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मृत्यु को तो धीरे धीरे हमारे स्वप्न में मतलब अवचेतन मन से धीरे धीरे भावना लग जाए, अभी हमारे सामने देखना लगा स्वप्न में कभी देखते हैं। तो यही यहाँ पे बोलते हैं यदि कभी हम ऐसा स्वप्न देख स्वस्थ परम लोक व्यवहार में यही इसका परम लोक है, अब ये स्वप्न नहीं है, अभी सच्चे राजा बनने तक, इंद्र बनने तक, ब्रह्मलोक बनने तक, ब्रह्म बनने तक की स्वप्न है, बंदर अशांत व्यापक तत्व को देख आपको कभी स्वप्न में ऐसा समझ में आता है मुश्किल है, क्योंकि वो तो विषय रूप में आता नहीं है, जो विषय रूप में आता है शब्द रूप में समझ में आता है, क्योंकि है कोई वस्तु शब्द की तरह जब हम प्रयोग करते हैं तो कब तक संबंधित कोई कॉन्सेप्ट मन में बैठता है वो आपके सामने मतलब अभी तक अकेला बैठ करके कभी जागते हुए स्वप्न में आ जाएगी। स्वप्न अवस्था में क्या होता है स्थूल शरीर से तादात्म्य छोड़ जाता है, इंद्रियों बंद हो जाता है, नया इंद्रियों खोल देते हैं, उसके तरह देखते हैं
जागरण में बैठ करके ऐसे चेतन रहते हुए इस सारे इंद्रियों को बंद करके सारे शरीर को बंद करके मनोराज्य में चले चलते चलते आप देखिए मनोराज्य मतलब वो राज्य जिस राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसा अभ्यास करेंगे तो उसको तीव्र वश में आ जाएगा तो स्वप्न में भी अपने आप अंत व्यवहार छोड़ते हुए जब वो आते हैं स्वप्न में भी व्यवहार करेंगे भी आएगा अथवा स्वप्न देखना ही बंद हो जाए थोड़ी देर तक आप सोएंगे तो गहरी नींद और कोई वासना मन में तक पीड़ा नहीं देती इसलिए हमें बोलते हैं पुनरपि धीषण दुर्भाषित है धीषण शब्द होता है बुद्धि की देवता है धृष धातु है तो सांप का कंठ का निवेदन परस्मै पद धातु है वहां पे जो क्यों प्रत्यय होते हैं वहां पे क और उच्च हो जाता है य बचता है तो अन लगता है तो धृष धातु को फिर धीष आदेश होता है पहले था धृ धृष दृष्टता इसमें फिर इसको धीष आदेश हो जाता है फिर अन प्रत्यय लगा तो धीषण पित्वा सर्वान विशेष सारा विशेष को बिल्कुल पी जाते मतलब हम कब सुषुप्त में गए पता ही नहीं लगता कुछ मेहनत करते रहेंगे मतलब जब तक आप भोग करते रहेंगे तब तक आप गहरी नींद में जा नहीं सकते आप इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप ही कोई चीज अपने आप जैसे कोई चीज हम खाते हैं तो आसानी से अंदर चला गया कोई आपको अलग करके मेहनत नहीं करना था उसको समझाने के लिए पहले बोला था भुक्त्वा आप क्या बोल रहे हैं सर्वान विशेषण जितना भी विशेषता हमें दिखाई दे रहा था समस्त विशेषता स्वपीति स्व अपीतो भवति इति स्वपीति स्व मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करें स्वपीति स्व अपीतो भवति आपने नहीं कहा है ना और यही सबसे ईश्वरस्य परमानंद ईश्वरस्य परम भवति ईश्वर परम आनंद जब बोलते हैं इस समय क्या करता है वो जागृत करने के स्थूल भोग होता है और स्वप्न का भी सूक्ष्म भोग आप क्या बोलते हैं मधुर भोग मधुर मधु को भोग करता है हम लोग अभेदा कर पर हम लोग एक मधु ब्राह्मण है किसको मधु कहा गया है परमात्मा ही मधु है यम पृथ्वी सर्वेशम भूतानां मधु पृथ्वी को चार को दिखा करके अंतिम मधु उसका सार मधु मतलब क्या होता है अनेक मधुमक्खियों के द्वारा अलग अलग फूल से लाया हुआ जो रस उसको एक जगह पे करके उसको अपने लिए मधु रूप में मतलब अपने अपने हितकारक बना करके प्रयोग करें और अनेकों से बना और अनेक मिलकर को भोग करते हैं ये एक मधु सार इसी प्रकार से आप इस समय मधु लघु हमारे अभी देवी पक्ष चल रहे ना गर्ज गर्ज तावत मोक्ष जावत मधु पिबाम्य हम देवी बोलते हैं अरे ये अशोक तब तक गर्जन कर ले जब तक मैं मधु मांग रहा देवी पक्ष देवी बोलते यहाँ पे लोग इसको अलग अलग रह जाता है, सवाल है, वो नहीं बैठेंगे, फिर कल करेंगे।
नाम।